राजस्थान के जैसलमेर जिले में नाचना क्षेत्र में रिश्तों के कत्ल की डराने वाली कहानी सामने आई है। इसमें मरने वाले के पिता ने ही उसकी पत्नी से अवैध संबंध होने के चलते बेटे की हत्या करा दी। मामले में मृतक की पत्नी व पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गत 6 मई को भोमराज मेघवाल ने रिपोर्ट पेश की थी कि उसके छोटे भाई हीरालाल की मृत्यु 25 अप्रैल की रात को होने पर अगले दिन 26 अप्रैल शाम को अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी पार्ले ने बताया कि उसका पति हीरालाल कोई काम नहीं करता था, शराबी था व आए दिन लड़ाई झगड़ा भी करता था। इस वजह से उसके अपने ससुर से लंबे समय से अवैध संबंध थे। गत 25 अप्रैल को शाम को ससुर ने उसे 2 नींद की गोलियां दी और कहा कि शाम को गोली खिलाकर हीरालाल को गहरी नींद आने पर करंट लगा देना। सभी खाना खाकर सो गए। ससुर, जेठानी व बच्चे बाहर सो गए, वहां उसका पति चौक में सो गए। पार्ले ने कबूला कि रात्रि करीब 11:30 बजे नींबू पानी में गोलियां डालकर पति को पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके बाद उसने एक्सटेंशन बोर्ड लगाकर उसमें तार डालकर पति के कानों में डालकर करंट चालू कर दिया।